आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव नवाड़ा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से 18 किलोमीटर है। 1900 वोट और 6000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान जिलेदार ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामवासियों की काफ़ी मदद की गई है। ग्राम प्रधान जिलेदार और सचिव राजेश कुमार के द्वारा स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफ़ी विकास कराया गया है। इन्होंने इस कार्यकाल में कितना विकास कराया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक संभल के नवाड़ा ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक कितना विकास करवाया जा चुका है, किस तरह से यहाँ लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद की गई है और क्या कोशिशें उनकी आगे के लिए जारी हैं, इस सब की जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये 5 साल पूरे होने को हैं आपके कार्यकाल के, अब तक के समय में क्या क्या विकास कार्य आपके गाँव में करवा चुके हैं? हमने तो कुछ शौचालय बनवा दिए, शौचालयों का काम पूरा करवा दिया, ODF हो गई पूरी, और हमने स्कूल की बाउंड्री करवाई है। एक प्राइमरी स्कूल में टाइल बिछवाई है और जो जूनियर स्कूल है उसमें मट्टी पड़ी है, हम टाइल बिछवाएंगे। मतलब अभी काम कुछ चल भी रहा है? हाँ, चल रहा है। आवाज मिले यहाँ लोगों को? आवाज हमारे प्रधान जी न मिले, सन 2011 की सूची के अनुसार आवाज दी है, एक भी आवाज नहीं है। तो कितने परिवार यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? लगभग यहाँ गरीब कम से कम गरीब परिवार तो सैकड़ों बैठ रहा है जी। लोग आज भी मकान हट जी। रास्ते जैसे आपके गांव में जो है पूरे पक्के हो चुके हैं या अभी भी कच्चे रास्ते बने? देखो जी, 80% विकास के बाद गाँव का कोई हमें रास्ता खराब दिखाई नहीं दिया। पूरे गाँव का लगभग सभी रास्ते मतलब पक्के हो चुके हैं पूरी तरह से जी। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई गाँव में? हाँ, लगवाई। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में आ रहा है, तो आपके ग्राम पंचायत में क्या सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ, सभी लोगों को इस योजना का लाभ मिला है जी। जो कि किसानों के टाइम पैसे जो आ रहे हैं 2000 महीने, सभी लोग आ रहे हैं, लगभग सभी जा रहे हैं, लगभग सभी। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है आपके गाँव में? बहुत बढ़िया, हमारा सफाई करने ऐसा और भी वही नगर का नगर मतलब रेगुलर आते हैं बिना? बिल्कुल रेगुलर आ रहे हैं, इसकी कोई शिकायत नहीं है। कहीं पर जल भराव की या समस्या तो नहीं आती, जैसे सड़कों पर या तो पानी भर जाता है या गंदगी का ढेर, कहीं ऐसी समस्या तो कहीं नहीं है? ऐसी समस्या कोई नहीं है जी। लॉकडाउन जैसे कि रहा काफ़ी दिनों का, 70-80 दिन का लॉकडाउन रहा है, उसमें कई लोगों के सामने बड़ी मुश्किल का समय जो है गुजरा है, जैसे जिनके कामकाज पूरी तरह से बंद हो चुके थे सभी के, तो आपके गांव में भी क्या ऐसे परिवार रहे हैं जिनके आगे खाने पीने को लेकर के कोई संकट खड़ा हुआ हो, उसके लिए अगर रहे हैं तो उसके लिए आपकी क्या भूमिका है? हमारे कोई भी घर परिवार ऐसा न रहे, हमने बूझ बूझ के लोगों से भैया कोई परेशान हो तो बताओ जी, और बाकी गल्ला भी समय मिला लो, कोई दिक्कत ना आई हमारे गाँव जी। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा? हाँ, बड़ा घर है, पंचायत घर है, पंचायत, लेकिन उसकी व्यवस्था खराब हो गई, पुराना बना हुआ सन 1995 का बना हुआ जब हमारे भाई साहब चल रहा जी। तो उसके नवनिर्माण के लिए आपने कोई मांग रखी है? हमने मांग तो रखी है, सचिव सचिव बोले हैं जगह पे है, थोड़ी जगह नहीं, जो बना हुआ है उसी का नवनिर्माण करने के लिए जगह की जरूरत। हाँ, तो मांग रख करी है हमें, हमने इसका ही मरम्मत करवा देंगे जी, पैसा मिल जाएगा। खेल का मैदान? खेल का मैदान तो कोई नाम अम्बेडकर पार्क है। आंगनबाड़ी केंद्र है? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र। शमशान घाट, कब्रिस्तान बने हुए हैं? हाँ, दोनों बने हैं। अस्पताल कितनी दूर है? अस्पताल हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर से पहले किसी गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं? ना, ग्राम समाज की जगह है गांव में? ग्राम सभा की जगह है, हरिजन आबादी है वो साइड। मतलब आपने कभी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के कोशिश की है कि गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? मतलब छोटी मोटी बीमारी के लिए जरूरी नहीं कि मरीजों को दूर तक परेशानी उठानी पड़े। हाँ, पूरी कोशिश करी लेकिन हो ना सका हमारे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? प्रमुख मांग ये हमारी, सबसे पहले जो गरीबों को आवास मिल जाए तो उनके घर बच जाएंगे। इसके अलावा कोई समस्या गांव में ऐसी देखते हैं जिसके लिए चाहेंगे कि अगर सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा दे या सरकार की कोई मदद मिले हमारे, तो उसमें विकास में आप क्या ऐसी समस्या देखते हैं गाँव में?
हमारे एक समस्या हो रही थोड़ी सी, तो सरकारी नल बहुत पुराने लगे हुए हैं। मैंने सब में पेपर भी डलवा दिए लेकिन काम नहीं कर रहे थे। जैसे कि हमने सुना है कि यहाँ आसपास के गांवों में और कई ग्राम प्रधान द्वारा बताया भी गया है कि उनके गांव में पीने के पानी को लेकर बड़ी समस्या है, दूषित पानी लोग पी रहे हैं वहाँ पर, तो क्या ऐसा आपके गांव में भी है? ना, हमारे गांव में चेक हो गया सब पानी, कोई दूषित पानी नहीं है। पानी सही है जी, पानी सही है पीने, तो उसके लिए पानी के लिए आप क्या कहना चाह रहे थे? ये कहना चाह रहे हैं अगर ग्राम निधि से लग जाए नल तो हम लगवा देते 400 नल, लेकिन हमें ऐसी कोई अनुमति न मिली जो अपनी निधि से नल लगवा दें। और वैसे विधायक की थोड़ा जा रहे हैं तो विधायक को हमारे शुभ चले। आप अपने ग्रामवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि बीमारी अभी भी बीमारी का प्रकोप जो है वो बढ़ने पर है, तो उसको लेकर अपने ग्रामवासियों से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ग्रामवासियों से ये कहते भैया कोई बाहर का आदमी आए तो बच्चे को गाँव में मदद, खुद मैंने चेकअप भेजे लोग जो हमारे गांव में कोई समस्या ऐसी ना आए जिससे कि गांव परेशान। जैसे कि चुनाव के लिए अभी समय है, लेकिन आप क्या सोचते हैं अगर दोबारा आपको मौका दिया जनता ने तो किस तरह से विकास में जो है इजाफा होगा? देखो, मैंने अपने गांव में जब से प्रधान बना हूँ मैंने ये शपथ खा कर आया, अगर बेटा भी गलती करेगा तो बख्श पाऊंगा उसे भी, मेरा गाँव शांत चल जा रहा है। पक्षपात मैं किसी का ना करता हूँ, ना जाति बात करता हूँ। मुझे 80% जनता ये कह रही है कि प्रधान जी दोबारा लड़ना पड़ेगा, मैं बोला साहब ना, ये कार्यकाल मेरा बहुत ही अजीब है। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ बीते 4-4.5 सालों में यहाँ इनके द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, लगभग ये गाँव कीचड़ मुक्त हो चुका है। इसके अलावा आवास यहां एक भी परिवार को अभी तक नहीं मिला है, जबकि सैकड़ों की तादाद में परिवार यहां ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, जिसके लिए प्रमुख मांग यहां ग्राम प्रधान ने भी रखी है। इसके साथ ही स्कूल में कार्यक्रम के अंतर्गत काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है और कुछ काम अभी भी जारी है, आगे आने वाले समय में हो सकता है पूरा हो जाए उम्मीद है। समस्याओं की तरफ अगर नजर करें तो यहाँ कुछ समस्याएं भी बाकी हैं, जैसे कि बारात घर जो निर्मित नहीं है, पंचायत घर जिसकी हालत काफी जर्जर है, जिसके नव निर्माण के लिए पहले भी कई बार यहाँ मांग रखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई, कोई सुनवाई अमल में नहीं लाई गई है। इसके अलावा अगर एक मुख्य समस्या को यहाँ देखें तो स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है, जो कई किलोमीटर दूर जाकर यहाँ लोगों को मिलती है। अशरफ अली के साथ मीनार।